is 2 for all values of n. So 1 put कीजिए, 1 put करने से क्या आएगा, 2 minus 1, तो ये 1 हो जाएगा, 10 plus 1 is 11, d 1 हो गया यहाँ पे, so this is a multiple of 11. इस प्रकार से हमें इसको देखना है. अगर ये 1 के लिए true है तो k के लिए भी true होगा. तो p के क्या लिखा जाएगा, p के is 10 to the power 2k minus 1 plus 1, ये हो गया, ठीक है. p k plus 1 क्या हो गया, if it is true for k then it should be true for k plus 1 also. So इसको हम क्या लिखेंगे, 10 power twice of k plus 1 k plus 1 minus 1 plus 1. This is 10 to the power 2k plus 2 minus 1 plus 1. ये हो जाएगा 10 to the power 2k plus 1 plus 1. हमें क्या चाहिए, दिस इज मल्टीपल ऑफ 11. ओके ओके राइट, तो सॉल्व नहीं करेंगे हमें इसको यूज करना है, जो गिवन है वो यूज करते हैं. तो हम इसको अलट पलट करेंगे, 10 टू द पावर 2k माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1. सो दिस इज 10 टू द पावर 2k माइनस 1 इंटू 10 का स्क्वायर, ऐसे अलग कर देंगे प्लस 1. अब 10 टू द पावर 2k माइनस 1, 10 टू द पावर 2k माइनस 1 ये किसके बराबर है, 11d माइनस 1, ठीक है, वो यहाँ पुट कर देंगे. दिस इज 11d माइनस 1 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 1. सो दिस इज 11d इंटू 10 स्क्वायर, 11d इंटू 10 स्क्वायर माइनस 100 प्लस 1. सो दिस इज 11d इंटू 10 स्क्वायर माइनस 99. अब 99 में से 11 कॉमन आता है, कॉमन ले लीजिए, ये हो गया 100d माइनस 9. इसको 100 लिख दिया मैंने, 100d माइनस 9. सो दिस इज आर, सो दिस इज 11. So what do we see? Even after replacing n by k plus 1, our final form remains the same. 11 is a factor of this expression as well. Therefore, this is divisible by 11 for all values of n belonging to natural numbers. ठीक है? इस प्रकार से ये solve है. Final result ध्यान रखना है. हमें ये चीज given है. इसको मैं यहाँ कैसे use कर सकता हूँ? वो चीज ध्यान रखनी है. तो फिर ये आ जाएगा. अब प्लस वन करके हम अगर रुक जाते हैं वहां पे, तो फिर हम रुके ही रहेंगे. ठीक है, अभी देखो कितनी आसानी से फटाफट हो गया. ऐसे ध्यान रखना है.